हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नया नोटिफिकेशन, नई जानकारी और एक बहुत बड़ा नया अपडेट। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आरपीएससी, जी हां, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरएएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, 650 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशंस हैं और वो भी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी एक आरएएस अधिकारी बन के एक हमारे एक डिस्ट्रिक्ट जिले या अपने को संभालना चाहता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और नीचे बने बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस आपको पूरी मिल सके। दोस्तों, जैसा भी आप देख पा रहे हैं, आरएएस की नया रिक्रूटमेंट 650 पदों पे जारी हो चुका है। इसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, इस बार इन्होंने क्या बदलाव किया है, कैसे इन्होंने इस बार नई वैकेंसी में कोई नया सब्जेक्ट का चेंज किया है, कुछ नया अपडेट डाला है, या फिर फ्रेंड्स इन्होंने बिल्कुल अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे यूट्यूब के साथ, इसको हम चालू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जैसे आरएएस की जो वैकेंसी है 2022, इसकी एज लिमिट वही रखी गई है 21 साल से आपके मैक्सिमम 40 ईयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 21 से वही 40 ईयर्स पे आई है। प्लस इस बार इन्होंने जो मिनिमम जो नॉट गजेटेड एम्प्लॉयज है उनकी इन्होंने ईयर 25 से मैक्सिमम ईयर 45 ईयर्स कर दी है। फ्रेंड्स दोस्तों, ये एज है कैलकुलेशन है, ये आपके 2023 के बेसिस पे होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वैसे ही मिलेगा ओबीसी 3, एसटीएससी 5, एक्स सर्विसमैन 3, और उसी तरह आपके पास अगर आप जिस कैटेगरीज के अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फीस की बात कर दें दोस्तों, इन्होंने फीस वैसी ही रखी है जैसे ₹350 जो आपके ओबीसी जनरल और अदर ओबीसी क्लासेस में रहने वाली है। इस बार उन्होंने अलग फीस आपके 250 वो रखी है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। 150 इन्होंने एसटीएससी में इन्होंने अपनी फीस रख रखी है जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे टीएसपी और इनकी एज जो फीस है वो भी इनकी शहरिया जनजाति और जो किशनगंज जो बांड्रा एरिया के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स रहती उनकी भी इन्होंने 150 रुपये फीस रखी है। और दोस्तों, क्वालिफिकेशन ये आपको पता है, जैसे हमारे काफ़ी जिसमें जो एस्पिरेंट्स है तो तैयारी कर रहे हैं और अभी कंटिन्यू चल रही होगी उनका, वही है फाइनल ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप अभी परसुइंग भी हैं तो भी आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं, पर बशर्ते जब आपका इंटरव्यू हो, जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जाए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेजेस से होकर निकलेगा। जैसे आप जानते हो आरएएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो टोटल पूरा आपके पास ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो आपके पास पूरे इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्री क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आरएएस मेन एग्जाम होगा जो 800 नंबर का होता है, 4 सेक्शन का, जैसा पिछली बार था इस बार भी इन्होंने वही रखा है। पर फ्रेंड्स, इसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने सिलेबस में बदलाव किया है या नहीं किया, प्लीज आप यूट्यूब पे बने रहिए, आपको हम पूरा डिस्कस करेंगे। वही पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स आपको लाने जरूरी होंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जैसे आपका प्रीलिम्स का। जैसे आप इसमें जानते हैं 150 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसके अंदर की जाती है। ये आपका पहला पेपर है, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज आता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, मार्क्स आपके 200 और आपके पास टाइम 3 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, 3 आवर्स का टाइम होता है आपके पास, जिसमें आपके पास आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। अब दोस्तों, थोड़ा सा इसका जो एक अपडेट आया हम उसको देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 150 क्वेश्चंस रहे, सिलेबस इसके अंदर क्या रहने वाला है, आप देखेंगे करंट अफेयर्स का सेक्शंस रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का सेक्शंस रहता है, जो हमें मिनिमम एक साल का करंट अफेयर्स करके चलना होगा, जिसके अंदर हम वही सारा नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्पेस टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट जो भी हमारे इन्वेंशन हुए हैं, या सबसे बड़े हम स्पोर्ट्स के अंदर हम उन खिलाड़ियों को कंसिडर करेंगे जो हमारे राजस्थान या हमारे कोई इंडिया में बहुत बड़ा उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है। सेकंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम पूरा एक 10th क्लास तक का पूरा एक एलिमेंट्री साइंस कंप्लीट करने चलेंगे। उसके बाद 10th, 11th, 12th कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टॉपिक्स कवर करेंगे, हम उन सबको भी इसके अंदर देखेंगे। अगला आता है राजस्थान पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी अधिकतर तरह से पूछी जाती है, पर हम इंडिया लेवल की भी पॉलिटी इसके अंदर पूछी जाती है। बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। दोस्तों, इसके अंदर पूरा इतिहास और इसके मिला के अंदर एक काफ़ी सारा ये बड़ा सिलेबस कवरअप करता है, जिसके हम देख सकते हैं। जैसे राजस्थान हिस्ट्री वैसा आपका एंशियंट, मिडिवल एंड आपका मॉडर्न, उसी तरह आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, हम जा सकते हैं बोलियां,
किले जाति वगैरह 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 काफ़ी चीज़ आने वाली है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जी हाँ फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हमको देखनी है, सारे इंपॉर्टेंट्स जो हमारे फिजिकल से लेके जो अभी हमारे पास जो भी लेटेस्ट है पॉपुलेशन वाट एवर जितनी भी है सारे, वो हमको पूरी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसमें आता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, भी इकोनॉमी क्या हमारे राजस्थान की इकोनॉमी है, कैसे इसमें हमको बेनिफिट्स मिलता है, किस तरह हम टैक्स अर्जित करते हैं, क्या हमारा SGT होता है, क्या हमारे पास GST है, कितना वगैरह वगैरह। बात आती है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के अंदर दोस्तों आपके पास तीन नोट आते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, पर हम इसमें मॉडर्न पर ज़्यादा हम इसके अंदर करते हुए आ रहे हैं। उसी तरह इन्होंने इस पर फिर वो टॉपिक रख रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम एंड गवर्नेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी तरह इन्होंने आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका पॉलिटी और गवर्नेंस पूरा इसके अंदर टॉपिक कवर अपने को करना होगा। उसी तरह ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ज्योग्राफी भी हमें पढ़नी पड़ेगी वर्ल्ड की, इंडिया की भी। और दोस्तों थोड़ा सा आपको चीज़ बता दूँ, हिस्ट्री की भी अपने को पॉलिटी थोड़ी सी पढ़नी, वर्ल्ड की भी हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमसे हम इफेक्ट हुए। ज़्यादातर हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जिससे पूरे एक विश्व पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ा था, तो अधिकतर क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं जो आप लोगों ने पेपर दिया होगा। अब बात करते हैं RPSC मेंस का, तो दोस्तों वही आपके पास तीन घंटे का जो एनालिस पेपर होने के बाद आप देखेंगे, दो जनरल पेपर के बाद आपके पास चार पेपर लगेंगे, जिसका नाम होगा जनरल स्टडीज 200 मार्क्स, उसी तरह वापस जनरल स्टडी 200 मार्क्स, जनरल स्टडीज 200 मार्क्स, और ऐसा पेपर फॉर जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 200 मार्क्स। तो दोस्तों वही इन्होंने इस बार स्कीम्स रखी है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और बता दूंगा कि जनरल स्टडीज आपके कौन से टॉपिक्स में कवर हुए हैं, कौन से नहीं हुए। दोस्तों एक्चुअली ये सब आपके जो नया सिलेबस आता है, ये आपके जो वापस अपना प्रीलिम्स होने के बाद एक नया सिलेबस जारी करता है, इसमें हमें तभी पता चलता है कि क्या हमारे पास सिलेबस आया है, क्या इन्होंने माइनस किया है, क्या इन्होंने जोड़ा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अभी आपका प्रीलिम्स देने के बाद ही एक नया आपका आने वाला है। वही दोस्तों इंटरव्यू रहने वाला है, आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। दोस्तों एक बार थोड़ी सी हम अभी 2022 की एक्सपेक्टेड देख लेते हैं, जो अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अभी क्लियर किया है। देख सकते हैं जैसे अभी हमने फर्स्ट जब प्रीलिम्स दिया था, आप उसका देख सकते हैं, कट ऑफ जनरल का 78.70, जनरल TSP 70, SC 71, ST 76.31, ST TSP 58.47, OBC 95.00। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स जो पहले हम जो कहा करते थे 60 नंबर पे आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ पास होना आता है, दोस्तों इस पिछली बार के आप प्रीलिम्स से आप समझ सकते हैं हमें इसमें कितनी ज़्यादा स्टडी करनी है और हमको किस तरह हमारी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि हम इसके अंदर कम से कम इस बार 80 से 90 मार्क्स का टारगेट लेके चलें। अब बात कर देते हैं अभी जो मेंस वाइज 2022 का, इसका क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। दोस्तों जनरल की मान के चलिए 345, जनरल TSP की मानी 337, SC की मानी आप 331, 331, SC TSP मानी 341, ST मानी 336, ST मानी TSP 285, OBC 264 और MBC 361, ये एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, जो अभी 800 से अभी आ सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना हम लोगों को अभी तैयारी करते हुए निकलना है। दोस्तों उसी तरह जो आपका जो पिछली बार जो सेकंड पेपर था उसमें आप देखते हैं जनरल 345, जनरल TSP 336, SC 330.50, SC TSP 340, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह इन्होंने अपना रखा था, बिल्कुल कट ऑफ। और दोस्तों उसकी अकॉर्डिंग आप मैं आपसे और भी वीडियो आपको बना के बता दूंगा कैसे इन्होंने कर सका अपनी एक्सपेक्टेशन और कट ऑफ है। हम हर बार देख सकते हैं कि दोस्तों 345, 360, 340 तक रहती है, जिससे हम इस बार भी रख रहे हैं तो 345, 37, 341, 336 तक अपनी कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों अभी आपका जो है नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये अपनी आगामी वैकेंसी, इसका जैसा जारी होगा दोस्तों आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे YouTube के ऊपर आएगा। हम पूरी रणनीति डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह तैयार करनी है। फ्रेंड्स इस बार RAS की वैकेंसी बिल्कुल सही टाइम पे आ रही है, जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था, तो दोस्तों बिल्कुल तैयार कर हो जाइए, कमर कस लीजिए, जो अपनी ये आ रही है अपने पास जो पोस्ट है, ये 650 जो पोजीशंस के ऊपर आ रही है, हम उसको देख सकते हैं। अभी इसकी कोई डेट नहीं आई है स्टार्ट और आपकी एप्लीकेशन डेट, पर हाँ दोस्तों आने में ही है, आके अक्टूबर के अंदर कभी भी रिलीज़ हो सकती है। फ्रेंड्स
मैं आपको कह रहा हूँ ये आपकी अक्टूबर के अंदर कभी भी आ सकती है, नहीं तो नवंबर में तो 100% है। तो इस बार आपकी बिल्कुल आरएएस वैकेंसी रेडी है, हमें बिल्कुल अपडेट लेते हुए रहना है, हमें बिल्कुल तैयारी फास्ट रखनी है। आपकी जो कोचिंग्स हैं, आपको नोट्स हैं, बिल्कुल करंट अफेयर्स हैं, उससे जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी लगता हो कि उसमें नया क्या अपडेट चाहिए, मैंने कोई चीज़ इसमें मिस कर दी, तो फ्रेंड्स आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। मैंने इसे पूरा 360 एनालिसिस करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपकी वैकेंसी जस्ट आने में ही है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी आपको ऐसा लगता है, कमेंट सेक्शन में जाइए, पूरा डिस्क्राइब कीजिए, मैं आपको उसका पूरा वीडियो या फिर पूरा आपको मैसेज शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं अगला वीडियो और नई जानकारी आपके लिए लेके जल्द से जल्द हाजिर हूँ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय।